हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके साथ एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी वह हो जाएगी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की क्लास। इसमें मिक्स कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो सीपीसीटी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक जो है मिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन होंगे और आपको ये क्वेश्चन अगर यदि आते होंगे, आप पहले से क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे, तो समझना आपकी तैयारी सीपीसीटी की अच्छी चल रही है और आप क्वालिफाइड जरूर करेंगे दोस्तों। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है आपका टेस्ट जरूर निकल जाएगा और साथ में हमारी क्लास के नोट्स और इसके साथ साथ इसके प्रैक्टिस। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन वह हो जाएगा दोस्तों, किन्हीं दो शब्दों के बीच जगह लेने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिफ्ट, बी हो जाएगा कैप्स लॉक, सी हो जाएगा हमारा स्पेस बार और डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए दो शब्दों के बीच जगह लेने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों जगह देने के लिए, तो हो जाएगा हमारा स्पेस बार। क्या हो जाएगा? स्पेस बार, जो सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड का उसको बोलते हैं स्पेस बार, उससे आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह एक प्रकार की तेज गति की मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच लगी होती है। क्वेश्चन क्या है? यह एक प्रकार की तेज गति की मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच लगी होती है। यह क्वेश्चन सीबीसीडी में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीपीयू और बी हो जाएगा बफर, सी हो जाएगा कैश मेमोरी, डी हो जाएगा मेन मेमोरी। अगर आपको इसको आंसर आता है समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कैश मेमोरी यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक तेज गति की मेमोरी है दोस्तों, कैश मेमोरी, जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है, उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है। किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका उपयोग करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा टर्मिनल, बी हो जाएगा नोट, सी हो जाएगा डेस्कटॉप और डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टर्मिनल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है, तो टर्मिनल का उपयोग करता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हम न्यू क्लास लेकर डेली आते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे आपका सहयोग चाहिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं। यह भी एक क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं। ए हो जाएगा सर्वर, बी हो जाएगा हमारा नेटवर्क, सी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो किससे जुड़े होते हैं, क्या है क्वेश्चन? पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं? सुपर कंप्यूटर से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट आए तो आप लोग सुपर कंप्यूटर डालना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है? ए हो जाएगा मेमोरी यूनिट, बी हो जाएगा एएलयू, सी हो जाएगा फ्लो कंट्रोल और हमारा डी हो जाएगा कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा एएलयू, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ALU। और आपको मैं बता चुका हूँ कल की क्लास में, और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि CBCET में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सी क्लासें कंप्लीट कर दी हैं CBCET के टॉपिक से रिलेटेड, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि हम पर डे एक न्यू क्लास लेकर आते हैं, बस आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये ध्यान। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्लोटर, और हमारा बी हो जाएगा, फ्लोटर होना था दोस्तों, फ्लोटर हो गया, बी होना था हमारा मॉनिटर, सी होना था प्रिंटर और हमारा डी हो जाएगा टच स्क्रीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस फ्लोटर हमारा है, ये आपको मालूम है, मॉनिटर हमको आउटपुट देता है ये भी मालूम है, प्रिंटर हार्ड कॉपी निकाल के देता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन है, हमारा एक इनपुट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से
मेन मेमोरी कौन सी है, इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है। ए हो जाएगा हमारा रैम, बी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, सी हो जाएगा सीरियल मेमोरी और डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रैम हमारा सही आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और यह एक मेन मेमोरी है। क्या है दोस्तों? यह एक मेन मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आठवां क्वेश्चन है, किसी डिस्क में उपस्थित गोलाकार पाथ जिस पर सूचनाओं को चुंबकीय तकनीक से संग्रहित किया जाता है कहलाता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा हमारा ट्रैक, बी हो जाएगा स्टोरेज ब्लॉक, सी हो जाएगा ब्लॉक और हमारा डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ट्रैक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नौवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ए हो जाएगा हमारा स्कैनर और हमारा बी हो जाएगा प्रिंटर, सी हो जाएगा सीपीयू और डी हो जाएगा हमारा मॉनिटर। तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? सीपीयू हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन कौन नहीं है दोस्तों? सीपीयू नहीं है। कौन नहीं है? सीपीयू। CPU का फुल फॉर्म भी आपको मैं बता देता हूँ, कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। CPU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दसवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ए हो जाएगा एक्सेस, बी हो जाएगा प्रिंटर ड्राइव और हमारा सी हो जाएगा सीपीयू और डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर पूछा गया सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ठीक है दोस्तों। एक्सेस हमारा एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर ड्राइवर जब जब जाकर प्रिंटर काम करता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो एक आपको मालूम होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, पर क्या नहीं है? सीपीयू नहीं है। क्या नहीं है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो ग्यारहवां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा, किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित रहते हैं। किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित रहते हैं। देखते हैं कहाँ रहते हैं। ए हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा रोम और सी हो जाएगा हमारा सीडी रोम और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा दोस्तों हमारा रोम। कौन सा हो जाएगा? रोम, यानी दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित रहते हैं। तो कहाँ उपस्थित रहते हैं? रोम में रहते हैं दोस्तों। रोम की भी फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, अगर मैंने कल भी बताई थी आज भी बता देता हूँ। अगर आप हमारी क्लास में डेली आते होंगे तो मैं ये सारी आपको जो फुल फॉर्म होती हैं वो यहीं याद करवा दूंगा, आपके माइंड में यहीं कैप्चर कर जाएंगे। बस आप लोग क्लास को स्किप मत करिए, आप लोग क्लास पूरा देखिए, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो रोम की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बढ़ते हैं बारहवें क्वेश्चन की तरफ। जो बारहवां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने के उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त बांटी जाती हैं लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं। ए हो जाएगा हमारा वेयर, बी हो जाएगा हमारा शेयरवेयर और डी हो जाएगा हमारा रेंटवेयर और हमारा डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उनको बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं दोस्तों उन सॉफ्टवेयर को जो आगे चल के राशि देनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा सही था। 13वां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी प्रिंटर की विशेषता किस पर आधारित या तय की जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर की विशेषता किस पर आधारित या आधा पर तय की जाती है, किस आधार पर तय की जाती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है किसी प्रिंटर की विशेषता किस आधार पर तय की जाती है। ए हो जाएगा हमारा डॉट प्रति वर्ग इंच, बी हो जाएगा डॉट प्रति इंच और सी हो जाएगा हमारा डॉट और डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। डॉट प्रति इंच किसी भी प्रिंटर की
किसी भी प्रिंटर की विशेषता या आधार पर तय की जाती है, तो किसके आधार पर तय की जाती है, डॉट प्रति इंच के हिसाब से की जाती है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वह कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश, हिंदी में बोलते हैं चार्ज, ठीक है, करने की आवश्यकता पड़ती है। ए हो जाएगा एस रैम यानी स्टैटिक रैम, डी हो जाएगा डी रैम डायनामिक रैम, सी हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो वह कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वह हो जाएगा डी रैम। क्या हो जाएगा? डी रैम हो जाएगा। और डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके साथ एस रैम की क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, मैं सारी आपको यहाँ पर याद कराते चलूँगा, बस आप लोग मेरे साथ क्लास में बने रहें, क्लास को स्किप मत करें। ठीक है, चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है। सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है, तो देखते हैं किस प्रकार संग्रहित करते हैं। ए हो जाएगा हमारा लेजर बीम के द्वारा, बी हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रिप के द्वारा, सी हो जाएगा मैग्नेटिक डॉट के द्वारा, और डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार संग्रहित किया जाता है दोस्तों, तो लेजर बीम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लेजर बीम के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों सीपीसीटी की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग पर आप लोग ध्यान दीजिए, जितना हो सके ऑनलाइन टाइपिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रोज़ नए नए चैप्टर आते हैं जिससे आपके फिंगर्स हर टाइप की टाइपिंग करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, टच पैड किस पर आधारित है। ए हो जाएगा प्रकाश, बी हो जाएगा दाब, सी हो जाएगा उंगलियों के ताप पर, और डी हो जाएगा कोई नहीं। अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, पर डिफरेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उंगलियों के ताप पर। ठीक है, दाब नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, कि वो दाब वो आप लोग समझ रहे हैं उंगली के टच पर, वो नहीं दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उंगलियों के ताप पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दाब भी हो सकता था। बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। जो 17वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड बूटिंग के लिए डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड बूटिंग के लिए डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ए हो जाएगा सेटअप डिस्क, बी हो जाएगा सिस्टम डिस्क, और सी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम डिस्क, और डी हो जाएगा कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कोल्ड बूटिंग के लिए डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, आइए देखते हैं। ये तो आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, प्रोग्राम डिस्क, और डी कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सिस्टम डिस्क हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता। इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, देखते हैं। ए हो जाएगा माउस, ठीक है, और बी हो जाएगा हमारा ट्रैक बॉल, सी हो जाएगा टच पैड, और हमारा डी हो जाएगा पॉइंटिंग स्टिक। आपको मालूम होना चाहिए लैपटॉप में क्या नहीं होता दोस्तों, ट्रैक बॉल नहीं होता है। ट्रैक बॉल के भी लैपटॉप पहले आते थे, पर अब नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं माउस लगा सकते हैं लैपटॉप में, आप लोग माउस को यूएसबी के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल वाले पहले आते थे, गोल माउस जो रहते थे उनमें ट्रैक बॉल लगाता था, उनमें माउस की जगह पर माउस की इस्तेमाल किया था, माउस के लिए पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। टच पैड वाले भी आजकल आने लगे हैं, जो बहुत ही जनरेशन के नए लैपटॉप आने लगे हैं, वो टच वाले भी काम करते हैं। और पॉइंटिंग स्टिक, ये थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पर, इसलिए मैं क्वेश्चन को इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर कर सकता है, वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर कर सकता है, वह कौन है। ए हो जाएगा इनपुट डिवाइस, बी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, सी हो जाएगा मेमोरी, और हमारा डी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारा काम कौन करता है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर करता है। डिवाइस जो प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर देख सकता है, समझ सकता है, कौन कर सकता है? माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है, यानी दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह 20वां क्वेश्चन है, साधारणता उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। साधारणता उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, ए हो जाएगा ट्रैक बॉल, बी हो जाएगा टच पैड, सी हो जाएगा हमारा टच स्क्रीन और डी हो जाएगा माउस। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टच पैड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टच पैड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साधारणता उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो टच पैड है दोस्तों, साधारणता। ठीक है, कोई केबल वगैरह अलग से नहीं लगानी पड़ती उसके लिए। 21वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मूड में प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मूड में प्रिंट होता है, ए हो जाएगा पोर्ट्रेट, बी हो जाएगा हमारा पेज सेटअप, सी हो जाएगा लैंडस्केप, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मूड में प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट मूड में प्रिंट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, ए हो जाएगा मिनी डायरेक्टरी, बी हो जाएगा जूनियर डायरेक्टरी, सी हो जाएगा पार्ट डायरेक्टरी और डी हो जाएगा सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या क्या कहा जाता है, तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब डायरेक्टरी बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डाटा सीट, बी हो जाएगा स्प्रेड शीट, सी हो जाएगा डाटाबेस और डी हो जाएगा यूटिलिटी फाइल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा डाटाबेस, यानी हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डाटाबेस कहा जाता है। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अगर कोई नई स्लाइड लेनी है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये, शॉर्टकट की क्लास में आपको करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारी क्लास देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कुछ स्टूडेंट ही कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर देते हैं। मैं अगर कोई आप शॉर्टकट की या फुल फॉर्म कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। केवल 2-3 ही स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते हैं, बाकी स्टूडेंट जाने किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पाता हूं। क्या पता वो CPCT कर रहे हैं कि ट्रिपल सी कर रहे हैं, कि समझ नहीं पाता हूं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। पर मैं यही कामना करूंगा जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ऊपर वाला आप लोगों को सिलेक्ट कर दे, मैं यही कामना करता हूं और अच्छी से अच्छी आपकी तैयारी चलती रहे। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल एन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा MS Word डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान, या लाल पट्टी भी बोल सकते हैं या लाल लाइन भी बोल सकते हैं, का निशान दर्शाता है। MS Word में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, ए हो जाएगा ग्रामर त्रुटि और बी हो जाएगा स्पेलिंग त्रुटि, सी हो जाएगा प्रिंटिंग त्रुटि और हमारा डी हो जाएगा एड्रेस ब्लॉक। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि। क्या होता है, स्पेलिंग में त्रुटि, यह अक्षरों के नीचे गलत बताता है। ठीक है, अगर डेडलाइन आ जाए, क्या बताता है, स्पेलिंग में त्रुटि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज के लिए लगता है इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन वो थे जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन CPCT में बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जिसने भी CPCT का फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्द से जल्द CPCT का फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और दूसरी बात यह है, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, जितने भी सेल्फ स्टडी करेंगे आपका CPCT की तैयारी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। और एक चीज बताना चाहूंगा, सिलेबस को निकालिए, CPCT का सिलेबस आप निकालिए, उसको देखिए, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मैंने जितनी भी क्लासें थी, डिफिकल्ट क्लास जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं, आपको खोज कर पढ़ना पड़ता है, मैंने वो क्लासें बना दी हैं ऑलरेडी। मैंने C++ की, नेट बैंकिंग की, इंटरनेट की, वायरस की, ये सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वो क्लासें भी आपको अच्छी लगी होंगी, आप जाकर उनको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।